बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से देहरादून से 22 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के कई गांवों की सड़कें टूट चुकी हैं और इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भी टूट गया है। चिभल्टी नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस टाइम 7 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लाइट 5 तारीख से नहीं है। 5 अगस्त की रात्रि से लाइट चली गई थी और आज 16 अगस्त हो गई है, अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और विभागीय कर्मचारी उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि हम उस टाइम बाद मौके पर आए हैं। आज दिनांक 16 तक अधिकारी कोई भी मौके पर नहीं पहुँच पाए। इस तरीके से आना जाना हो पा रहा है, पैदल ही आना हो रहा है। लगभग 5-6 किलोमीटर का पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। 13 और 14 अगस्त की रात चिभल्टी गांव के लिए बहुत ही काली रही। गांव का इकलौता ट्रॉली पुल इस हादसे में बह गया है। देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ये पूरा एक पिलर था, जो पिलर बह चुका है और ये सामने एक ट्रॉली थी जिससे लोग आना जाना करता था। अक्सर पहाड़ों में इस तरीके की तस्वीरें साफ दिखती है। और यहाँ पूरी ये चिभल्टी नदी कहते हैं इसे, इस नदी में काफ़ी तेज पानी आया और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का तो कोई आकलन ही नहीं है अभी। पैदल चलने का तो यह है कि 1.5-2 किलोमीटर मतलब दूरी से आना हो रहा है इनका। बाकी ये था आर पार के लिए गरारी थी, वो भी खत्म हो गई। मतलब पुल वाल तो यहाँ कोई है ही नहीं। 2022 में भी इस जगह पर बड़ी आफत आई थी। तब नदी के आसपास सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, लेकिन नदी के सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 5 दिनों से यहाँ न बिजली है और न ही पीने के पानी का कोई इंतजाम। घर सब इस बार आपदा में ध्वस्त हो गए, जमीन सारी चलेगी, लाइट नहीं है। लाइट कम से कम अगले 15 दिन तक भी नहीं बनेगी, क्योंकि जो 4 पोल वाले 11,000 वोल्टेज है उसके 7 से 8 डीपीएम बह के नदी में अब पोल उसके बहे हुए हैं। और बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय गवालंडा में नदी को पार करके जाते हैं, यहाँ से फिर रंगड़ गांव के लिए जो बच्चे जाते हैं इंटर कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के और प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे अभी भी पूरे गांव में घरी हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल, जब रास्ता ही नहीं बचा, ट्राली नहीं है हमारे पास, पुल नहीं है हमारे पास, सड़क नहीं है, तो ये सब अस्त व्यस्त। नदी की दूसरी तरफ कर्मचारी बिजली का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात है उनको देख कर नहीं लगता कि जल्द ही यहाँ रहने लायक हालात होंगे। किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लाइट नहीं है, पानी की दिक्कत हो रही है और पैदल ही इनको कई किलोमीटर जाकर सड़क पर पहुंचना पड़ रहा है क्योंकि सड़कें भी वॉश आउट हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ बिजली की 1-2 खंभों पर मरम्मत करते हुए अभी तस्वीरें दिखी है, लेकिन हालांकि अभी उपभोक्ता जो इनके लिए मदद है वो अभी तक नहीं यहाँ पहुँच पाई है। टिहरी गढ़वाल के चिभल्टी गाँव से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।